की पॉलिसी तो ऐसी है कि मिनिस्ट्री के रूल होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूल है, जिसको RR बोलते हैं, उनके उसके तहत प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये तीन कैटेगरी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में दो लेवल होती है, एक लेवल 10 और लेवल 11, जिसको बोलते हैं Grade 1 and Grade 2। तो इतने चार कैटेगरी है इस प्रोफेसर का, और उसके रिक्रूटमेंट होंगे बहुत जल्दी से जल्दी। और 10 मार्च लास्ट डेट रखी है, तो 10 मार्च तक जो भी एप्लीकेशन आएंगे वो लेंगे, उसके बाद स्क्रूटनी विजिट करके उसके फिर रिक्रूटमेंट होंगे, इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं उसके तहत उसके रिक्रूटमेंट होंगे। सर कुल कितने पद भरे जाएंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ भी? टीचिंग के टोटल 108 पद खाली है, तो 108 के लिए भरे जाएंगे टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए सर जो अभी एप्लीकेशन आ रही है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे लोग? यस, बहुत है, अभी काफ़ी एप्लीकेशन आ गई है अभी तो और 15 दिन और बाकी है, तो अभी काफ़ी आ गए एप्लीकेशन और आ रहे हैं। सर रैंकिंग में सुधार के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? रैंकिंग के लिए तो जो पहला सबसे मेन है वो तो रिक्रूटमेंट है, जो हम लोगों ने बताया वो रिक्रूटमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसमें, रिसर्च एक्टिविटी भी आती है, और बाहर के एक पैरामीटर ये है कि बाहर के स्टूडेंट्स तुम्हारे यहाँ कितने एनरोलमेंट है, वो भी एक पैरामीटर है। सो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, बाहर के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। सर प्लेसमेंट को लेकर बात, एक हमें हॉस्टल भी तैयार करना है, इंटरनेशनल हॉस्टल बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी प्रयास चल रहा है। सर इंटरनेशनल हॉस्टल किस तरह का, मतलब इसमें किस तरह की सुविधा रहेंगी और क्या? इसमें उनका ऐसा इंटरनेशनल के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको सेपरेट बाथरूम वगैरह होना चाहिए, सेपरेट किचन होना चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ कुक करते हैं तो उनको प्रॉब्लम प्रोवाइड करना देना पड़ता है। इसके लिए सर कोई बजट का भी है? बजट तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो एग्जिस्टिंग हॉस्टल है उसमें से ही बना देंगे, हो जाएगा, क्योंकि नए हॉस्टल बन ही रहे इसलिए उसी में से ही देना है। और है हमारे पास किचन वगैरह है कुछ कुछ हॉस्टल में। सर प्लेसमेंट को लेकर आपने बात रखी है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात की है कि लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट रही है 1 करोड़ से अधिक रही है, कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा क्या जानकारी? प्लेसमेंट तो इम्प्रूव होते रहता है जैसा हर साल, क्योंकि सरीका नहीं रहता, डिपेंड इंडस्ट्री पे भी डिपेंड रहता है, इंडस्ट्री का प्रोग्रेस कैसा है, इंडस्ट्री की एक्टिविटीज कैसा है, उसे पे भी होता है। लेकिन इस साल पिछले साल जैसा ही इस साल रहेगा, वैसा ही रहेगा।